गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग को पढ़ाएंगे नेटवर्क थ्योरी, और नेटवर्क थ्योरी में मैं आज पढ़ाएंगे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर में जो एसएससी जेई में जो प्रॉब्लम पूछा गया स्टूडेंट, वही प्रॉब्लम का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका एक प्रॉब्लम आपका स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आपका प्रॉब्लम दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है, और ये सर्किट आपका इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, और आपको क्या निकालने बोल रहा है स्टूडेंट, VTH और RTH का वैल्यू को क्या कर बोल रहा है कि फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। अब देखो, ये आपका सर्किट गिवेन है, और सर्किट गिवेन होने के नाते आपको VTH और RTH वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कि जब भी हम लोग को VTH और RTH फाइंड आउट करना होगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, पहले हम लोग VTH फाइंड आउट करते हैं कि VTH का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी ये आपका क्या ओपन पाथ है, तो ओपन पाथ में यहाँ पर जो करंट होगा स्टूडेंट, इस ब्रांच में जो करंट होगा इस लूप में, तो I इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अब पाथ आपका क्या हो ओपन है, पाथ आपका क्या हो ओपन है, ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब करंट जीरो होगा तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो स्टूडेंट क्या होगा, जीरो वोल्ट होगा। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक यदि हम लोग मानते हैं कि VTH होगा, ठीक है, और ये आपका यदि V होगा तो हम लोग बोल सकते हैं V इक्वल टू क्या होगा, VTH होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप जितना होगा उतना ही इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि ओपन पाथ है, ओपन पाथ में करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब रही मुद्दा कि वी का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, वह ध्यान देने का कोशिश कर। अब देखो, वी का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो देखो एक सर्किट को यहाँ से फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका क्या है, 3 ओम है स्टूडेंट, ये आपका क्या प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका स्टूडेंट 20 वोल्ट है, ये आपका क्या है 3 ओम है। अब यहाँ पर एक सर्किट दिया गया, ये आपका क्या है स्टूडेंट 6 ओम है, और यहाँ पर आपका क्या है एक वोल्टेज सोर्स है, वो माइनस है, ये प्लस है, ये आपका स्टूडेंट 10 वोल्ट है, और इसको इससे कनेक्टेड कर दिए स्टूडेंट, ये हो गया, ये आपका क्या ओपन है, ठीक है, ये ओपन है। यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा, क्योंकि 3 ओम के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये ओपन पाथ है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस VTH को फाइंड आउट करना है, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, VTH होगा, क्योंकि इसके ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो, नोड एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट, नोड लगाएंगे यहाँ पर, यदि नोड लगाएंगे तो भी और आपको नजर आ रहा प्लस, तो आप क्या लिखोगे, भी माइनस 20 डिवाइडिंग बाय क्या होगा स्टूडेंट, 3 होगा। अप्लाइंग द नोड एनालिसिस, यहाँ पर यदि नोड लगाएंगे तो भी आपको नजर आ रहा माइनस, तो आप क्या लिखोगे प्लस, भी प्लस क्या हो जाएगा 10, और इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उससे क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर तो आपका नोड लगेगा नहीं, क्योंकि ये आपका ओपन पाथ है, ओपन पाथ में करंट क्या होता है, जीरो होता है। नोड लगाने का मतलब क्या होता है, KCL मतलब किच ऑफ करंट ला इज इक्वल टू जीरो। अब देखो स्टूडेंट, नोड लगा दिए, नोड कहाँ पर लगाए, इस पॉइंट में लगाए, ये आपका यदि ए पॉइंट है तो ए पॉइंट में हम लोग क्या करें, नोड लगा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट ए, पॉइंट ए में हम लोग क्या करें स्टूडेंट, नोड लगा रहे हैं, पॉइंट ए में क्या करें हम लोग, नोड लगा रहे हैं, नोड लगा के क्या करें, वी का वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब बताओ तो स्टूडेंट, ये दोनों का एलसीएम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और वी माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वी प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय 6 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में से तो 2 भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 40, और ये क्या हो जाएगा वी, और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वी और 2 भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 भी हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी को उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, ये वाला ये उधर जाएगा तो 30, और 30/3 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। इसका मतलब वी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, वी का जो वैल्यू होगा इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा, इसका मतलब वी का वैल्यू क्या होगा 10 वोल्ट होगा। तो वही वी आपका क्या होगा VTH होगा, जो वी होगा वही आपका क्या होगा VTH होगा, VTH का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा स्टूडेंट 10 वोल्ट क्या होगा 10 वोल्ट होगा। अब देखो स्टूडेंट, आपको RTH निकालना है तो RTH आप कैसे निकालोगे वो भी आपको बता रहा है। तो RTH निकालने के लिए आप क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे शॉर्ट करोगे, शॉर्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है आपका थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि जब भी RTH का वैल्यू को निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को क्या किया शॉर्ट कर दिया, यहाँ का रेजिस्टेंस वैल्यू 3 है,
यहाँ का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 6 है, और यहाँ का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, 3 है। आपको आर टी एच निकालना है ए और बी के बीच के अक्रॉस में देखना है, तो आप यहाँ से देखोगे और आर टी एच का वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। स्टूडेंट अभी बताओ कि आर टी एच का वैल्यू को जब फाइंड आउट करोगे तो आप बताओ कि 6 और 3 का कनेक्शन कैसा होगा। आप यहाँ से देख रहे हो, बाहर की तरफ से आप देखने का कोशिश करो, यहाँ से जब देखोगे इसका मतलब 6 और 3 का क्या होगा, आपका पैरेलल कनेक्शन होगा। तो आर टी एच का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आप बताओ, 6 और 3 क्या होगा पैरेलल, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, ये आपका पैरेलल है। और ये पैरेलल के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये उसके साथ क्या होगा सीरीज में होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, इसका सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5 ओम आ जाएगा। इसका मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आपका एसएससी जेई 2021 में पूछा गया है। ये सर्किट आपके पास अवेलेबल है, इस सर्किट का वीटीएच को फाइंड आउट करना और आरटीएच को फाइंड आउट करना है। तो आपको वीटीएच निकालने के लिए आपको यहाँ पर नोड लगाना होगा, यही नोड पोटेंशियल जितना होगा वही आपका क्या होगा स्टूडेंट वीटीएच होगा, क्योंकि ये आपका ओपन पाथ है, ओपन पाथ में आपका करंट जीरो होता है, करंट जीरो होगा तो इसके ड्रॉप क्या होगा जीरो होगा, इसका ड्रॉप जीरो होगा तो वी का वैल्यू जितना होगा वही आपका क्या होगा वीटीएच होगा। नोड लगा के स्टूडेंट हमने वी का वैल्यू को फाइंड आउट किया, वी जो हुआ आपका 10 वोल्ट हुआ। आरटीएच का वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है शॉर्ट सर्किट करना है, वोल्टेज सोर्स यदि रहेगा तो उसको क्या करना है शॉर्ट सर्किट करना है, और करंट सोर्स रहेगा स्टूडेंट करंट सोर्स रहेगा तो आपको क्या करना है ओपन सर्किट करना है। ये आपने नोट कॉपी में लिख लो कि जब भी हम लोग आरटीएच को फाइंड आउट करेंगे, आरटीएच को जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को क्या करना है वोल्टेज सोर्स को क्या करना है शॉर्ट सर्किट करना है, और करंट सोर्स को क्या करना है ओपन सर्किट करना है। तो हमने वोल्टेज को क्या किया शॉर्ट किया, यदि यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर करंट सोर्स रहता तो उसको क्या करते ओपन करते, ओपन करके हम लोग क्या करते आरटीएच का वैल्यू को निकालते। इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो दिया गया, इस प्रॉब्लम का जो वीटीएच का वैल्यू होगा वो 10 वोल्ट होगा और आरटीएच का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 5 ओम होगा। इसका मतलब VTH का वैल्यू आपका 10 हो गया, RTH का वैल्यू क्या हो गया 5 ओम हो गया, मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा D होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में मिले तो आपको इसी तरह कॉन्सेप्ट लगा के क्या करना है स्टूडेंट सॉल्विंग करना, इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट D होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नया है तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम।